कहते हैं अगर किसी समस्या का समाधान ना हो तो परामर्श लेना ही बेहतर है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से परेशान हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की समस्या हो, कोर्ट केस, फैमिली मैटर, पैसा, जॉब प्रमोशन, व्यापार से संबंधित समस्याएं इत्यादि, तो ज्योतिष हेल्पलाइन डायल 199 के प्रीमियम और विश्वविख्यात ज्योतिष संस्थान द्वारा प्रमाणित एस्ट्रोलॉजर्स से परामर्श लें। आप उनसे सीधे अपने मोबाइल फोन पर कभी भी बात कर सकते हैं। हमारे ज्योतिषी 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध हैं। किसी भी सवाल का जवाब पाएं पूरे मनी बैक गारंटी के साथ। तो आज ही डायल 199 के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और समाधान पाएं। कामदा एकादशी। कामदा एकादशी से हिंदू वर्ष की एकादशी की शुरुआत होती है, इसलिए इस एकादशी का काफी महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। विधि विधान से भगवान का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन व्रत रखने वालों को एकादशी कथा कहना या सुनना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि बिना व्रत कथा कहे सुने ये व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। कामदा एकादशी व्रत कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। श्री कृष्ण से पहले इस कहानी को वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को सुनाया था। चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे पापों से मुक्ति के लिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है। कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होती है, इसलिए इसे फलदा एकादशी में कहते हैं। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत एवं पूजा विधि, मुहूर्त, पारण का समय आदि क्या है। कामदा एकादशी मुहूर्त चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ व व्रत रखने के साथ साथ पारण समय के लिए शुभ मुहूर्त का समय। कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। कामदा एकादशी पारण का समय। कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले को अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व पारण करना आवश्यक है, अन्यथा वह पाप का भागी होता है। एकादशी व्रत रखने के लिए शुभ मुहूर्त का समय कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की कृपा से कामदा एकादशी का व्रत करने वाले को बैकुंठ जाने का सौभाग्य मिलता है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत एवं पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर कामदा एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात पूजा स्थान पर आसन ग्रहण करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, गंध, दूध, फल, तिल, पंचामृत आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। अब कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनें। पूजा समापन के समय भगवान विष्णु की आरती करें। बाद में प्रसाद लोगों में वितरित कर दें। स्वयं दिनभर फलाहार करते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण करें। शाम के समय भजन कीर्तन करें तथा रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान आदि के बाद
भगवान विष्णु की पूजा करें, किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात पारण के समय में पारण कर व्रत को पूरा करें। कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहां तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहां किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, है प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
भगवान विष्णु जी की आराधना के लिए सरल मंत्र पहले सुने। ओम ह्री ह्री श्री श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। उसके बाद सुने ओम नमो नारायणाय नम। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः।
श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं
लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं 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 लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं
लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं
लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी
लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। नमो नमो।
नमो नमो ना।
नारायण, ओम नमो नारायणाय।
नमो नारायणाय।
आपका दिन शुभ हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।